एवरीवन, मैं शेयर करूंगी एक स्मॉल डेमो एमवे के होम केयर प्रोडक्ट एसेट के साथ। फ्रेंड्स, ये एसेट लिक्विड है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं डेमो करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लास वाटर ले लिया है। 1 ग्लास वाटर में मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट यूज़ किया है और 1 ग्लास में मैं थोड़ा सा एसेट यूज़ करूँगी मिनिमम क्वान्टिटी में। फ्रेंड्स, अब हम दोनों को डिसॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है और ये एक्स ब्रांड डिटर्जेंट का पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ है, बिकॉज इसमें कुछ पार्टिकल्स डाले जाते हैं जो आपके पेट को इन्हेंस करते हैं, और ये पार्टिकल्स जो हमारे कपड़े के रेशे में रह जाते हैं तो कुछ इचेज रैशेज वगैरह पड़ने लगते हैं हमारे बॉडी पे, तो ये काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इसमें केमिकल का पता लगाने के लिए हम हल्दी का यूज़ करते हैं, टर्मरिक का। जैसे कि बचपन से बताया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी ब्रांड में आप केमिकल पता करने के लिए हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ और ये एक्स ब्रांड में मैंने थोड़ा सा हल्दी ले लिया है। अब मैं दोनों को डिसॉल्व करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके कलर तुरंत चेंज होते जा रहे हैं, इसमें केमिकल ऐड है, बट इसके कलर एज इट इज हैं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ इसके कलर में। तो ये इनके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हमारे वॉशिंग मशीन को भी चोक कर देते हैं, हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है, हमारे बॉडी को काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। पर ये एसेट लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे कपड़ों का कलर एज इट इज बना रहता है, कोई इचेस कोई रैचेस नहीं आते हैं और बॉडी और कपड़ों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड थैंक सो मच एमवे के होम केयर प्रोडक्ट के साथ। आप अपने कपड़ों को धुलिए, वॉश करिए,